सनसनी ऑफ इंडिया। गोविंदपुरी एक्सटेंशन में घर में बैठे व्यक्ति पर गोली चलाकर फरार हुए आरोपी को स्पेशल स्टाफ साउथ ईस्ट की टीम ने दबोच लिया है। वारदात का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, पीड़ित का चचेरा भाई निकला। आरोपी ने संपत्ति विवाद का बदला लेने के लिए पीड़ित को जान से मारने के इरादे से गोली चलाई थी, लेकिन घर का दरवाजा बंद होने की वजह से गोली लोहे के दरवाजे को चीरते हुए पीड़ित के सर के ऊपर से निकल गई थी। आरोपी ने अपनी पहचान छुपाने और पुलिस को चकमा देने के लिए स्कूटी की नंबर प्लेट को ढककर और हेलमेट पहनकर वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन स्पेशल स्टाफ साउथ ईस्ट की टीम ने टेक्निकल सर्विलांस और अपने नेटवर्क की मदद से ब्लाइंड अटेम्प्ट टू मर्डर केस के आरोपी तक पहुंच गई। आरोपी की पहचान आली गांव सरिता विहार निवासी 31 वर्षीय शैन की उर्फ कमल नागर पुत्र मलखान सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने इसके पास से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल व 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। दिनांक 5 अगस्त 2023। स्थान मकान नंबर 60A, गली नंबर 8, गोविंदपुरी एक्सटेंशन। समय रात 11 बजे। पूरी गली शांत थी, लोग अपने अपने घरों में थे, तभी गोली की आवाज गूंजी। गोली की आवाज सुनकर लोग घरों से बाहर निकल आए। पता चला कि मकान नंबर 60A में रहने वाले जसबीर सिंह उर्फ बबलू नागर के ऊपर किसी ने गोली चलाई है। पीड़ित बबलू नागर ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल किया। कॉल मिलते ही गोविंदपुरी थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि मेरा नाम जसवीर सिंह उर्फ बबलू नागर है। उस दिन मैं रात को अपने बरामदे में बैठा हुआ था। रात कितने बजे की घटना? ये 11 बजे की घटना है। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन मैं बाहर बरामदे में बैठा हुआ था गेट लगा के, और किसी ने जो गोली चलाई, और मैंने सोचा कि पटाखे की आवाज़ है। मैंने बच्चे को बाहर भेजा और उनसे कहा देखना बेटे कौन है बाहर। तो लड़की ने गेट खोला थोड़ा सा और उन्होंने देखा तो 2 लड़के पिस्तौल लिए खड़े हुए थे। उन्होंने तान रखी थी पिस्तौल। लड़की ने डर के मारे गेट बंद कर दिया और अंदर आ गई। फिर मैंने पूछा क्या हुआ बेटा? वो बोली पिताजी वो गोली लेके खड़े हुए हैं, पिस्तौल लेके खड़े हुए हैं। मैंने कहा कौन है? तेज़ की आवाज़ में बोला तो वो मैं देखता हूँ इन्हें जो गोली चला रहे हैं। तो वो डर के मारे फिर यहाँ से भाग गए। फिर मैं बाहर आया, फिर पब्लिक आई, फिर मैंने देखा गोली चली हुई है। तो मैंने 100 नंबर को कॉल करा, जो पुलिस आई उन्होंने अपनी इंक्वायरी करी सारी। उस दिन 5 तारीख थी, रात 11 बजे जी। हमें बाहर पटाखे जैसे धमाके की आवाज़ आई, तो मेरे पापा ने मुझसे कहा कि गेट खोल के देखो कि बाहर क्या हो रहा है। तो मैंने जैसे गेट खोला, वहाँ पर 2 लोग थे जिनके हाथ में बंदूक थी, दोनों ने हेलमेट पहन रखा था। फिर मैंने एकदम गेट बंद कर दिया, तो वो चीज़ मैंने अपने पापा को बता दी। किस चीज़ पे थे वो? स्कूटी पे थी। स्पेशल स्टाफ साउथ ईस्ट AATS FSL यूनिट मोबाइल डिस्ट्रिक्ट क्राइम व फॉरेंसिक असिस्टेंट की टीमों ने क्राइम सीन का मुआयना किया और क्राइम सीन की फोटोग्राफी की और सबूत जुटाए। क्राइम सीन के आसपास लगे CCTV कैमरों में गोली चलाकर स्कूटी पर भागते 2 आरोपी कैद तो हो गए थे, लेकिन हेलमेट पहने होने और गली में अंधेरा होने की वजह से आरोपियों की पहचान नहीं हो पा रही थी। वारदात में इस्तेमाल स्कूटी की नंबर प्लेट से भी आरोपियों ने छेड़छाड़ की हुई थी। पूछताछ में पीड़ित ने अपने चचेरे भाई शेन की उर्फ कमल नागर पर शक जाहिर किया और मुझसे पूछा तुम पर किसी का शक है? मैंने कहा हाँ जी शक है मुझे, मेरे चाचा का लड़का है, उसने मुझे 2 दिन पहले धमकी दी थी और ज़मीन के पीछे, तो उसने ही चलाई होगी। धमकी आपको चाचा का जो लड़का है जिसने धमकी दी थी, तो आपका डाउट क्यों गया उसके पास? क्योंकि उसने मुझे 2 दिन पहले धमकी दी थी कि मैं तुझे देख लूँगा। किस बात को लेकर धमकी? जमीन के पीछे। ये जमीन का कहाँ का मसला था? ये गांव का जमीन का मसला था, गांव सदल्लापुर ग्रेटर नोएडा दादरी का। वो प्लॉट है वहाँ पे हमारा, तो वो उसमें से हिस्सा मांग रहे थे। ठीक है, तो हमने कहा भी बात करेंगे बैठ के। ठीक है ना, वो कह रहा मैं तुझे देख लूँगा जो भी है। मैंने कोई बात नहीं, देख ली। पीड़ित की शिकायत पर थाना गोविंदपुरी में FIR संख्या 434/23 धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। जांच के दौरान पीड़ित बबलू नागर ने पुलिस को बताया कि उसका चचेरा भाई शेन की उर्फ कमल नागर भी 190 आली गांव सरिता विहार में रहता है। पूछताछ के लिए पुलिस आली गांव गई तो पता चला कि वारदात के दिन से ही शेन की उर्फ कमल नागर घर नहीं आया है। गोविंदपुरी थाना पुलिस ने आरोपी को दबोचने के लिए सस्पेक्ट ठिकानों पर छापेमारी की, लेकिन शेन की उर्फ कमल नागर पुलिस को चकमा देकर गिरफ्तारी से बचता रहा।
वारदात के 2 हफ्तों बाद भी जब गोविंदपुरी थाना पुलिस फरार आरोपी के बारे में कोई सुराग नहीं खोज पाए, तब राजेश देव डीसीपी साउथ ईस्ट ने आरोपी को दबोचने की जिम्मेवारी इंस्पेक्टर दिनेश मोरल के नेतृत्व में स्पेशल स्टाफ साउथ ईस्ट को सौंपी। टास्क मिलते ही इंस्पेक्टर दिनेश मोरल ने सबसे पहले आरोपी की पूरी फैमिली के साथ साथ उसके दूर के रिश्तेदारों व खास दोस्तों के मोबाइल नंबरों को टेक्निकल सर्विलांस पर लगा दिया, ताकि कब कहां से किसी के पास आरोपी का फोन आ जाए और कोई क्लू मिल जाए। लेकिन आरोपी शेन की उर्फ कमल नागर शायद किसी नंबर पर बात नहीं कर रहा था। टीम अंधेरे में थी। धीरे धीरे एक दिन निकल गया, लेकिन टीम लगी हुई थी कि किसी भी हाल में आरोपी को खोजना था। शेन की उर्फ कमल नागर को दबोचने के लिए इंस्पेक्टर दिनेश मोरल ने मुखबिरों का जाल बिछा दिया। टेक्निकल सर्विलांस और मुखबिरों के नेटवर्क से टीम को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई कि दिनांक 19 अगस्त को लगभग शाम 4 बजे वांटेड कमल नागर आली गांव मेन रोड पर अपने किसी जानकार से मिलने आएगा। इन्फॉर्मेशन मिलते ही इंस्पेक्टर दिनेश मोरल ने हेड कांस्टेबल अवधेश, अरविंद व कांस्टेबल कुलदीप की एक टीम बनाकर मेन रोड आली विलेज के पास जाल बिछाया। 5:30 बजे के आसपास वांटेड आरोपी शैन की उर्फ कमल नागर आली विलेज की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। मुखबिर के इशारा करने पर टीम ने दौड़कर शैन की उर्फ कमल नागर को दबोच लिया। तलाशी लेने पर आरोपी के पास से 1 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल व 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। आरोपी के पास से अवैध हथियार मिलने की वजह से थाना सरिता विहार में दिनांक 19 अगस्त को FIR संख्या 430/23 धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत अलग से एक और मामला दर्ज किया गया। मैं दिनेश साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो उन्होंने मेरी इतना हेल्प करी और अपना काम फर्ज से निभाया। साउथ डीसी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इनको इतनी जल्दी अपना काम करा उन्होंने। आरोपी की पहचान दी 190 आली गांव सरिता विहार निवासी 31 वर्षीय शैन की उर्फ कमल नागर पुत्र मलखान सिंह के रूप से हुई है। थाना सरिता विहार में इसके खिलाफ पहले से ही 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पूरी साजिश और आरोपी व्यक्तियों की भूमिका का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज 7:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम, सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज पेपर, हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया।